महाराष्ट्र के सीएम की नाक में दम करने वाली और मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर चर्चा में आई अमरावती की सांसद नवनीत राणा की जिंदगी भी काफी चर्चित रही है और उसने कई बड़े फैसले लिए हैं जो काफी बिंदास थे। दोस्तों, नवनीत राणा का नाम नवनीत कौर था और उसने अपने पति रवि राणा से लव मैरिज की थी और इसके बाद ही नवनीत कौर का नाम नवनीत राणा हो गया। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि नवनीत के पति रवि राणा रिश्ते में बाबा रामदेव के भतीजे लगते हैं और साथ ही नवनीत राणा ने अपनी शादी भी एक सामूहिक शादी समारोह में बाबा रामदेव के आश्रम में ही की थी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और बात करते हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के बारे में। दरअसल नवनीत कौर का शुरू से ही योग गुरु बाबा रामदेव के आश्रम के साथ जुड़ाव था। नवनीत बाबा रामदेव के आश्रम में आया जाया करती थी और उनके योग शिविरों में भी भाग लिया करती थी और इसी वजह से बाबा रामदेव के योग आश्रम में ही नवनीत कौर की रवि राणा से मुलाकात हुई थी, क्योंकि रवि राणा रिश्ते में रामदेव के भतीजे लगते हैं और वह भी रामदेव के आश्रम में आया जाया करते थे। और जब नवनीत राणा और रवि राणा के बीच प्यार पनपने लगा तो दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव से अनुमति मांगी। बाबा रामदेव से अनुमति मिलने के बाद दोनों 2 फरवरी 2011 को विवाह बंधन में बंध गए। नवनीत और रवि राणा की शादी का किस्सा भी बड़े मजेदार है। दरअसल बाबा रामदेव के आश्रम में एक साथ 3100 जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा था और इसी दौरान इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला लिया और फिर दोनों को इसी मंडप और समारोह में सात फेरे दिलवा दिए गए थे। हरिद्वार के पतंजलि आश्रम में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में खुद बाबा रामदेव के साथ साथ महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आध्यात्मिक गुरु भैयूजी महाराज ने शिरकत की थी। हालांकि भैयूजी महाराज इस वक्त दुनिया में नहीं है। दोस्तों, अगर नवनीत कौर राणा की पसंद जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने 12वीं तक ही पढ़ाई की है और इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। कई बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा और कई फिल्में की। मुंबई में 3 जनवरी 1986 को जन्मी नवनीत कौर राणा 5 भाषाएं जानती है। वो मराठी, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश बोल सकती है। अभिनेत्री से लेकर नेता तक का उनका सफर काफी अच्छा रहा है और नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद हैं और भारतीय राजनीति की उन महिलाओं में शामिल है जो विभिन्न मुद्दों पर काफी मुखरता से अपनी बात रखती हैं, जैसे कि वो आजकल हनुमान मुद्दे पर काफी आक्रामक और मुखर हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।